नमस्कार किसान भाइयों, आज हम देखेंगे कि BCS रीपर वाइडर मशीन के अंदर नीडल के अंदर रस्सी कैसे डाली जाती है। उसके लिए सबसे पहले हमें यह बंडल लेना है, बंडल के ऊपर दी हुई सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और ये रैपर को रिमूव नहीं करना। अगर हम इस रैपर को रिमूव करेंगे तो ये जब ख़त्म होने वाला होगा तो सारी रस्सी उसमें उलझ जाएगी, इससे रस्सी की वेस्टेज होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रेशर प्लेट को उठाना है, डब्बे का ढक्कन निकालना है, उसके बाद इसको रस्सी के बंडल को डब्बे में रख देना है। उसके बाद रस्सी को थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके ताकि अंदर आराम से चली जाए, ढक्कन को दोबारा से लगा के प्रेशर प्लेट को ऊपर रख देना है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट से घुसाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नीडल में सेकंड स्टेप, उसके बाद ये नीडल का लास्ट पॉइंट, ये करने के बाद ट्रिगर को दबाना है और रस्सी को लेफ्ट हैंड से अच्छे से पकड़ना है और बेल्ट को घुमाना है। इसको जब तक घुमाना है जब तक हमारी नीडल पूरी अंदर जाके बाहर आके रेस्ट पोजीशन में नहीं आ जाती है। उसके बाद इस रस्सी को इस पॉइंट पे लाके ऐसे खींच के तोड़ देना है। फिर हम चेक करेंगे कि रस्सी अच्छे से डल गई या नहीं। इसके लिए इसको ऐसे खींच के ट्रिगर पर प्रेस करके वही प्रोसेस को रिपीट करना है। अभी हम देखेंगे कि ये गांठ लगाने के लिए मशीन रेडी है, खेत में चलने के लिए रेडी है।